हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश वन टेक्स्ट बुक चैप्टर 7 यूनिट 7 द टुनटुन टाउन म्यूजिशियन। ओके एंड द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द पेज नंबर 60। Activity 2, Part 1. Once there was a farmer who had a very old donkey. The donkey had worked very hard for the farmer for many years. Now, when he became old, the farmer said, "You are no longer useful to me. Get out from here." Poor old donkey was very sad. He left the farm and went towards the city. एक समय एक farmer के यहाँ पे एक old donkey रहता था। वो ओल्ड डोंकी अब उन्होंने उसने कई साल तक अपने फार्मर के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था। अभी वो बूढ़ा हो चुका था तो फार्मर ने उसे कहा कि तुम अब मेरे कोई काम के नहीं रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो पुअर ओल्ड डोंकी वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गया, उसने फार्म छोड़ दिया। एनिमल्स जो होते हैं वो फार्म में रहते हैं, खेत में रहते हैं, तो उसने वो खेत छोड़ दिया और सिटी की तरफ जाने लगा। He walked along and he sang. और वो अकेले जा रहा था और गाना गा रहा था। I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. मैं अभी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम सब देखते हो, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा मुझे नहीं पता है। As he walked along, an idea came to his head. I know what can I do. I go to the Tuntun town and become a musician. वो रास्ते में जा रहा था और जाते जाते उसे एक आइडिया आया कि मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं टुनटुन टाउन जाऊंगा और वहाँ म्यूजिशियन बनूंगा, वहाँ जाके मैं म्यूजिशियन बनूंगा, यानी मैं गाना गाऊंगा, बैंड बजाऊंगा या ये सब कर सकता हूँ, मैं म्यूजिशियन बन सकता हूँ। So he walked along. A little later, he saw an old dog sleep on the side of the road. What's wrong, my friend? asked the donkey. My master has thrown me out in my... I am old and slightly deaf, said the dog sadly, and he sang. तो अभी वो रास्ते में जा रहा था, अब उससे क्लियर हो गया था कि उसे कहाँ जाना है, और वो रास्ते में जाता जा रहा है, अब तो उसे रास्ते में एक डॉग मिलता है, सोया हुआ था रोड के साइड में, तो उससे जाके पूछता है कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों सोए हो? तो डॉग उसको बताता है कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ और थोड़ा कम सुनता हूँ, तो इसीलिए मेरे मास्टर ने मुझे बाहर निकाल दिया है। बहुत दुखी हो गया था डॉग, तो डोंकी उसे गाना सुनाता है और कि वही वाला सॉन्ग कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कोई मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा। Why don't you come with me? said the donkey. The dog liked the idea of going to the Tuntun town and become a musician. Now they walk together. तो डॉकी ने उसे ऑफर किया कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। डॉग को ये आइडिया अच्छा लगा क्योंकि डॉकी ने बताया कि वो टुनटुन टाउन जाएगा और म्यूजिशियन बनेगा, तो वो दोनों अब साथ में जाने लगे। On the way they saw an old tabby cat. She was thin and had stripes on her fur. What were you doing here? said the donkey and the old dog. I am too old to chase mice and my master has thrown me out of the house, said the tabby cat sadly and she said. तो रास्ते में बीच में उन्होंने एक टैबी कैट मिली है। टैबी कैट बहुत पतली थी और उसके शरीर पे स्ट्राइप्स थे, उसके जो फर थे उस पे स्ट्राइप्स थे, टाइगर के जैसे स्ट्राइप्स होते हैं ना, इस तरह की ऐसी जो कैट होती है उसको टैबी कैट कहते हैं, और ऐसे टाइगर जैसे स्ट्राइप्स उसके बॉडी में थी। तो डोंकी और डॉग उसे देख के पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं चूहों का पीछा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया है। और फिर वो भी सेम गाना ऐसे गाती है और फिर डोंकी और डॉग उसे कहते हैं, Why don't you come with us to Tuntun town to become a musician? said the donkey. Thank you, said the dog and joined them. तो अभी
डोंकी ने उसे कहा कि तुम हमारे साथ टुनटुन टाउन क्यों नहीं चलती हो, हम वहां जाके म्यूजिशियन बनेंगे। तो कैट को ये बात अच्छी लगी और वो भी उनके साथ चलने लगी। सो दे वॉक्ड अलोंग टुगेदर। अ लिटिल लेटर दे सॉ अ ओल्ड रूस्टर ऑन द रोड। व्हाई व्हाट आर यू डूइंग हियर अलोन माई फ्रेंड, व्हाई आर यू नॉट एट योर फार्म, सेड द डोंकी। और वो तीनों जन जब रास्ते से जा रहे थे तो जाते जाते वो रास्ते में उन्होंने एक रूस्टर को देखा। तो डोंकी उससे पूछता है तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने खेत में क्यों नहीं हो। तो रूस्टर आंसर करता है कि मैं अभी बहुत सोता हूँ और इसके कारण मुझे मेरे मालिक ने मुझे भगा दिया है, क्योंकि वो भी बूढ़ा हो गया है इसीलिए अब उसे बहुत ज्यादा नींद आती है, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, तो इसीलिए उसके मालिक ने भी उसे निकाल दिया। और दुखी होके वो भी ये गाना गाने लगा। कम एंड सिंग विद अस, वी आर गोइंग टू द टुनटुन टाउन टू बिकम अ म्यूजिशियन। चलो हमारे साथ और टुनटुन टाउन चलते हैं और वहां जाके म्यूजिशियन बनते हैं। तो आई वुड लव टू सेट द रूस्टर एंड सो ऑफ दे वेंट ऑल टुगेदर। और उसे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो भी इनके साथ चलने को रेडी हो जाता। अब चारों जन जा रहे हैं टुनटुन टाउन, टाउन की तरफ वो जा रहे हैं। सून इट बिकम डार्क, जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। दे एंटर्ड अ फॉरेस्ट एंड सडनली सॉ अ हाउस। अब वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं और फिर उन्होंने वहां पे एक घर, वहां वो उन्हें दिखता है। दे वेंट नियर एंड पीप्ड इनसाइड। वो उसके घर के पास जाते हैं और अंदर झांक के देखते हैं। पीप्ड मतलब होता है अंदर झांक के देखना। दे सॉ द फोर रॉबर्स सिटिंग बाय द फायर एंड ईटिंग नाइस हॉट फूड। वो वहां अंदर जब झांकते हैं तो देखते हैं कि चार चोर अंदर आग के पास बैठे हैं और कुछ गर्म खाना अच्छा खा रहे हैं। लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान। तो अब वो प्लान बनाने लगते हैं कि इन चोरों को यहाँ पे कैसे भगाया जाए। तो वो चोरों को भगाने के लिए एक प्लान करते हैं। सेट द डोंकी। सो टूगेदर दे थॉट ऑफ अ प्लान। फिर वो सब एक साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। देन दे गॉट इन टू द पोजिशन एंड द डोंकी काउंटेड। और फिर वो सब अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और फिर डोंकी काउंट करता है 1, 2, 3 नाउ, यानी अब। दे ऑल सैंग एज लाउड एज दे कुड। अब वो जोर से गाना गाने लगते हैं जितनी जोर से वो गा सकते हैं। द डोंकी ब्रेड। डोंकी ब्रेड यानी वो जैसे डोंकी जो अपने आवाज में बोलता है वैसे वो बोलने लगा। डॉग बाग, वो अपने साउंड में बोलने लगा डॉग। कैट म्यूट, और कैट भी म्यूट करने लगी। एंड द रूस्टर क्रो, और रूस्टर भी क्रो करने लगा। सबके एनिमल्स के साउंड है ये। देन दे रश इन टू द हाउस। और फिर वो जोर जोर से इस तरह से बोल रहे थे और फिर वो घर के अंदर घुसने लगे। क्रैश एंड बूम। अब वो जा करके सारे जो आदमी रॉबर्स बैठे थे ना उनके पास एकदम जाके वो टकराते हैं, ठीक है, एकदम सडनली। तो वो जो चार रॉबर्स बैठे थे ना वो इन पहले आवाज देख के तो डर जाते हैं, आवाज सुन के वो एकदम डर जाते हैं। और फिर अंधेरा था वहां पे, सिर्फ एक आग जल रही थी छोटी सी, तो उन्हें कुछ क्लियर दिखता नहीं है। तो वो जाके जो एकदम टकराते हैं ना, तो एक रॉबर्स वहां पे देख के चिल्लाता है, कैट की आंखों में देखता है और येल्ड मतलब जोर से चिल्लाता है रन। देयर आर टू बॉल्स ऑफ फायर। यहाँ पे तो दो आग के गोले आ रहे हैं, यहाँ पे दो आग के गोले हैं। एंड द डॉग बीट द रॉबर्स एंड ही येल्ड। और जब डॉग जो चोर से टकराता है तो वो चोर चिल्ला के बोलता है अरे भागो, यहाँ पे तो कोई चाकू लेके आया है। द डोंकी किक द रॉबर एंड ही येल्ड। और डोंकी जिस रॉबर से टकराता है, चोर से टकराता है, तो वो रॉबर चिल्लाता है अरे भागो, देयर इज अ घोस्ट हू हैड थ्रोन मी ओवर। यहाँ पे तो एक भूत है जो, क्योंकि डोंकी वाइट होते हैं, ठीक है, तो वो अंधेरे में एकदम दिख रहा होगा उसको ऐसे एकदम वाइट और एकदम अंधेरे में उसने उसे लात मारी, तो उसको लगा कि यहाँ पे कोई भूत है जिसने मुझे उठा के फेंक दिया है। द रूस्टर क्रोड अ कुकल अ डू। रूस्टर जो है वो कुकल डू यानी कुकड़कू जो बोलते हैं वैसे वो बोल रहा है। एंड द फोर्थ रॉबर सेड, और फोर्थ रॉबर बोल रहा है कि अरे भागो, यहाँ पे तो कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम सबको देख लूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड सो सेइंग ऑल फोर रॉबर्स रैन शाउटिंग आउट ऑफ द हाउस। और ऐसा बोल के सारे जो चार चोर थे ना वो घर के बाहर भागने लगे। उसके बाद
अब घर में से भाग गए तो अब ये सारे एनिमल्स फ्री हो गए, खाली हो गया घर, तो अब ये सब वहां पे सोने का प्लान कर रहे हैं कि अब रात हो गई है तो अब यहाँ पे सो जाते हैं। तो सारे प्लान कर रहे हैं कि वो सब कहाँ कहाँ सोएंगे। आई विल स्लीप बाय द फायर पुट द कैट, वो कैट बोलती है कि मैं तो भाई फायर के पास सोऊंगी। आई विल स्लीप अंडर द टेबल सेट द डॉग, मैं तो उस टेबल के नीचे सोऊंगा। आई विल स्लीप इन द बार्न सेट द डोंकी, और डोंकी बोलता है मैं तो बार्न में जाके सोऊंगा। बार्न मतलब क्या होता है, खेत के अंदर जो घर होते हैं ना उसमें, उस घर में सूखी घास रखी गई होती है, तो जो सूखी घास घर के कॉर्नर में जो रखी जाती है उसको बार्न कहते हैं। तो वो बोलता है मैं तो बार्न में जाके सोऊंगा। आई विल स्लीप ऑन द रूफ सेट द रूस्टर, और मैं तो छत के ऊपर जाके सोऊंगा, रूस्टर ऐसा कहता है। एंड सो दे रिमेन्ड इन दिस हाउस एंड ऑफन सेंग टूगेदर, अब वो इसी घर में रहने लगते हैं और फिर वो कभी कभी साथ में गाना भी गाते हैं। दे वेंट लेटर टू द टुनटुन टाउन, और फिर वो बाद में टुनटुन टाउन भी जाते हैं। एंड इवन गिव द कंसर्ट्स, और वहां जाके वो गाना भी गाते हैं। कंसर्ट्स मतलब होता है कि स्टेज के ऊपर जब आप गाना कोई परफॉर्म करते हो तो उसको कंसर्ट्स कहते हैं। तो ये कॉन्सर्ट्स भी वो परफॉर्म करते हैं और फिर वो इसी तरह से साथ में रहने लगते हैं। ओके, होपफुली ये जो स्टोरी थी ये आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, सो आपका ये होमवर्क है कि आपको ये जो स्टोरी है वो आपको रीड करनी है, ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक में, चैप्टर 7 है। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।